Hello everyone, in this video we will be talking about the basics of networking and firstly we will discuss about computer networks. So what is a computer network? So a computer network is a set of connected computers. अगर मैं आपको कहूँ कि मेरे पास कुछ computers हैं and ये सारे computers आपस में linked हैं तो हम कह सकते हैं कि इन कंप्यूटर के बीच में एक नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रखा है. सो दिस इज व्हाट कंप्यूटर नेटवर्क्स इज कॉल्ड. अब ये जो कंप्यूटर्स हैं जब ये एक नेटवर्क में होते हैं तब हम इन कंप्यूटर्स को एज नोड्स डिनोट करते हैं. सो दिस इज योर नोड 1, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4. हम इन्हें कुछ ऐसे डिनोट करते हैं. अब अगर मैं आपसे कनेक्शन की बात करूं कि ये जो कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन है, सो इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज थ्रू वायर्ड मीडियम एंड द सेकंड वन इज थ्रू वायरलेस मीडियम. सो जो आपका वायर्ड मीडियम्स है उसमें आपकी केबल्स आती हैं वेरियस, जिसके थ्रू आपके ये जो कंप्यूटर्स हैं ये आपस में कनेक्ट हो रखे हैं. और अगर मैं वायरलेस की बात करूं तो जैसे आपका रेडियो वेव्स हैं या वेरियस वेव्स हैं उनके थ्रू आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्टेड हैं. सो जो आपके कंप्यूटर हैं वो या तो वायर्ड मीडियम से कनेक्ट हो रखे हैं या फिर दे आर कनेक्टेड थ्रू वायरलेस मीडियम. अब द क्वेश्चन विच अराइजेज इज कि व्हाट इज द नीड टू हैव दीज कंप्यूटर नेटवर्क्स. कि ऐसी क्या जरूरत है कि हम अपने कंप्यूटर को एक नेटवर्क में कनेक्ट करें. सो हम कह सकते हैं कि हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क्स में इसलिए कनेक्ट करते हैं टू शेयर इंफॉर्मेशन. हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करवा सकते हैं. सेकंड वन इज योर इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ऑफ यूजर्स. जो यूजर्स हैं वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे कंप्यूटर से. थर्ड वन इज टू प्रोवाइड मैक्सिमम परफॉर्मेंस एट मिनिमम कॉस्ट. सो जब आपका काम बहुत सारे डिवाइसेस में, बहुत सारे कंप्यूटर्स में डिवाइड हो जाता है तो जो काम है वो जल्दी होता है एंड अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस होती है, मैक्सिमम परफॉर्मेंस होती है और वो भी मिनिमम कॉस्ट पे. क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको सिर्फ केबलिंग का कॉस्ट होता है, केबल्स वगैरह कनेक्ट आपको करनी होती है, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं होता और आपका जो काम है वो भी स्पीड से होता है. नेक्स्ट इज द वर्क इज डन इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर. सब कुछ एक वे से होता है. सो दिस इज व्हाट कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अबाउट. Now let's just have a look on the advantages and disadvantages of computer networks. So first we will talk about the advantages. So the first one is using computer networks we can easily share resources. हम various resources अपने computers के बीच में share करवा सकते हैं, जैसे internet या printer services or your file services, they can be easily shared among various computers. Next is it save times. जो भी आपका काम है वो जब डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स में आप बांट दोगे या शेयर करवा लोगे तो आपका जो काम है वो जल्दी होगा और जो टाइम है वो भी कम लगेगा. नेक्स्ट इज योर कम्युनिकेशन. सो इट प्रोवाइड्स पावरफुल कम्युनिकेशन अमंग वाइडली सेपरेटेड पीपल. अगर बहुत डिस्टेंस पे भी लोग बैठे हैं आप उनसे भी इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेरियस डिसएडवांटेजेस. सो द फर्स्ट वन इज सेटअप कॉस्ट. जब स्टार्टिंग में जब आप अपना कोई कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करने का सोचते हो तो इसका जो इनिशियल कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होता है क्योंकि उसके लिए आपको वेरियस कंप्यूटर्स लेने पड़ते हैं, देन उनमें कनेक्शंस करने पड़ते हैं, तो वो जो है वो इनिशियल कॉस्ट इसका काफ़ी हाई है. नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी कंसर्न्स. व्हेन यू आर शेयरिंग योर रिसोर्सेज तो ऐसा हो सकता है कि कभी कोई आप कि जो सिक्योरिटी है उसको हार्म करे, कोई ऐसी फाइल्स ले ले आपके कंप्यूटर से आपको पता भी ना चले वो कब हो जाए. तो इसलिए इट हैज़ सिक्योरिटी कंसर्न. सिक्योरिटी वाइज ये इतना अच्छा नहीं है.
नेक्स्ट ऑल्सो वाइल शेयरिंग रिसोर्सेज, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कोई फाइल जो आपके कंप्यूटर पे आई हो, आपके नोट पे आई हो, उसमें कोई वायरस हो, तो इसके थ्रू आपका जो सिस्टम है उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है. सो दीज आर दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. सो वेयर हेयर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स. द फर्स्ट वन इज योर लैन, विच इज योर लोकल एरिया नेटवर्क. द सेकेंड वन इज मैन, विच इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. एंड द लास्ट वन इज़ वैन, विच इज़ योर वाइड एरिया नेटवर्क. सो ये जो वेरियस नेटवर्क्स हैं, ये बेसिकली आपसे वाइवा में पूछ सकते हैं कि ये क्या होते हैं. एंड एग्जाम में इनका मोस्टली डिफरेंस आता है, जैसे वो आपको बोलेंगे कि मैन और वैन में डिफरेंस बता दो, या फिर लैन एंड मैन में डिफरेंस बता दो, या फिर लैन एंड वैन में डिफरेंस बता दो, यही आता है. सो फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट देम कि ये किक करके क्या है, देन नेक्स्ट मैं आपको इन के बारे में डिफरेंसेस भी दूंगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द लैन फर्स्ट. सो लोकल एरिया नेटवर्क जो हमारा ये लैन है, ये काफ़ी शॉर्ट एरिया के लिए डिफाइन होता है कि अगर आपको एक छोटी जगह पे कोई नेटवर्क क्रिएट करना है, सो वी यूज लैन ओवर देयर. जैसे कि आपके ऑफिसेज में, या फिर आपके कॉलेजेस में, या फिर स्कूल्स में, बेसिकली जो आपके कंप्यूटर्स के बीच में जो कनेक्शन होता है उनको हम लैन बोलते हैं. नेक्स्ट इज योर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क. सो दो सिटीज के बीच में जो कनेक्शन, जो नेटवर्क का जो क्रिएट होता है, वो थ्रू मैन होता है. मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इज यूज देयर. जैसे कि अगर आपको मैं एक एग्जाम्पल दूँ, तो जो आपका केबल टीवी नेटवर्क्स हैं, दे कम अंडर योर मैन. नेक्स्ट आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क. सो ये सबसे लार्जेस्ट एरिया नेटवर्क है हमारा, विच इज बिटवीन योर कॉन्टिनेंट्स, वेरियस कॉन्टिनेंट्स या वेरियस कंट्रीज, इनके बीच में जो हमारा नेटवर्क शेयरिंग होता है, दे आर डन थ्रू वाइड एरिया नेटवर्क्स. सो हेयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन एंड मैन. सो अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आपको डिफरेंस बताना है सपोज लैन एंड मैन में, तो आई वुड रिकमेंड कि आप ये दो सेक्शंस वहाँ पे लिख दो, या फिर अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है वैन एंड मैन में, तो ये दोनों सेक्शंस आप लिख दो, या फिर अगर आपको एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज लैन और व्हाट इज वैन, तो आप बस ये एक पूरा सेक्शन वहाँ पे लिख दो. सो लेट्स स्टार्ट विद द डिफरेंसेस. द फर्स्ट वन इज योर अबाउट लैन. सो इट कनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ स्मॉल एरिया. सो मैंने आपको बताया था कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो एक स्मॉल या फिर एक लिमिटेड एरिया को ही कवर करता है, काफ़ी छोटे एरिया को वो कवर कर पाता है. वेयर एज इफ आई टॉक अबाउट वैन, सो इट कवर्स अ लार्ज एरिया लाइक अ कंट्री और अ कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट वन इज अबाउट मैन, विच इज कन्फाइंड टू ओनली अ सिटी और अ टाउन. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट लैन, सो इट इज लिमिटेड टू 100 to 1000 मीटर्स. इसकी कनेक्टिविटी सिर्फ इतनी ही हो पाती है. वेयर एज अबाउट वैन, सो इट स्पैन्स अ ह्यूज एरिया ऑफ अराउंड 100,000 किलोमीटर्स. एंड अबाउट मैन, सो इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ अप टू 100 किलोमीटर्स. अब अगर कॉस्ट की बात करें, सो जो लैन है उसकी काफ़ी कम कॉस्ट होती है, क्योंकि वो सिर्फ एक छोटे से एरिया में होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से कंप्यूटर्स उसमें यूज़ होते हैं, कुछ केबल्स यूज़ होती हैं, ज़्यादा इतना कॉस्ट नहीं होता उसका. वेयर एज अगर हम वैन की बात करें, सो उसकी कॉस्टिंग बहुत हाई होती है, क्योंकि वो एक पूरी कंट्री में उसका जो है वो कनेक्टिविटी होती है. वेयर एज मैन, सो इट हैज़ मॉडरेट कॉस्ट. Now, data is transferred within 10, 100 and 1000 Mbps in LAN, whereas between WAN it is up to 10 to 20 Mbps and in MAN it can go up to 100 Mbps. अगर हम bandwidth की बात करें, so it is high for LAN, low for WAN and moderate for your MAN. So this is all for today's video. I hope you like this video. Please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.